स्वागत है आप सबका सोना फैमिली ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ अपना लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ पूड़ी, कद्दू की सब्जी और खीर। तो चलिए आपको मैं किचन में ले चलती हूँ। तो चलिए पहले हम बनाते हैं कद्दू की सब्जी। यहाँ पर हमने कद्दू काट के रखा है, प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है। गैस पर कढ़ाई रखी है, इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, प्याज, हरी मिर्ची, डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे। नमक स्वादानुसार। अब इसमें हम कद्दू ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, डालकर ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम आटा गूंद लेते हैं। इसमें हमने नमक डाला है 1 चम्मच, अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी। आटा हमारा तैयार हो गया है, अब इसको हम रेस्ट पे रख देंगे। अब हम सब्जी को देख लेते हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करके ढक देंगे। कद्दू हमारा 50% कुक हो गया है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी, हींग भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कद्दू हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डाल देंगे। लीजिए, बनकर तैयार है हमारी कद्दू की सब्जी। पूड़ी तलने के लिए हमने आयरन की कढ़ाई ली है, इसमें हम पीनट ऑयल डालेंगे। पर हम चावल की खीर बना लेंगे। उसके लिए हमने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देंगे। इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, चिरौंजी, मखाने और नारियल कद्दूकस किया हुआ, ये इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें हमने चावल धो के रखे थे 2 घंटे के लिए, वो भी इसमें डाल के चावल को भी फ्राई कर लेंगे। ये वाली खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे घर में सबको ये वाली खीर बहुत ही पसंद है। तो एक बार आप इस खीर को जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना के ज़रूर देखें। ड्राई फ्रूट और चावल अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे, इसमें हम दूध डाल देंगे। इधर हमारा दूध वाला भी आ गया है दूध लेकर। एक गैस पर खीर बन रही है, एक गैस पर दूध उबल रहा है। में हम इलायची पाउडर डाल देंगे, जो मैं चीनी और इलायची को पीस कर हमेशा पाउडर बनाकर रखती हूँ।
खीर में अब हम चीनी डाल देंगे अपने स्वादानुसार। जितनी आप लोग मीठा खाते हैं, हम लोग मीठा कम खाते हैं, इसलिए मैं चीनी थोड़ा कम ही डालती हूँ। अच्छी तरह से पक गए हैं और खीर भी हमारी गाढ़ी हो गई है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। लीजिए, बनकर तैयार है हमारी लंच थाली, जिसमें है खीर, कद्दू की सब्जी और पूड़ी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।